आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या कि मेरी शादी हो रही है? नहीं तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं मतलब आपको मैंने कभी मेरे लिए इतना परेशान नहीं देखा। आज आप बड़े गुस्से में लग रहे थे, आपको गुस्से में देख के लगा कि शायद आप मेरी शादी हो रही है। नहीं नहीं, गुस्सा मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अच्छा मैं बस समझा रहा था तुम्हें, गुस्सा मुझे नहीं। सच्ची? हाँ। अगर आपको इस बात का गुस्सा नहीं है तो मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी कर लूं। यार ये तो मुझे फंसा रही है। कर लो ना शादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कर लो। मैं तो बस समझाने आया था, तुम जो करना है करो शादी करो। कर ठीक है, सो जाओ अभी, ठीक है? हाँ यार, ये गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे? नहीं, गुस्सा नहीं है। तो कहीं ये जलन तो नहीं? जलन हो रही है बब्बल जी, मान लो। जलन? पर क्यों? कहीं मुझे इच्छा से प्यार तो? ये है जी हमारा मेहमान खाना। आओ, तो यहाँ खाना मिलेगा? जी यहाँ सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, और अगर आपको ताजा दूध चाहिए ना तो वो सामने आपको ना तबेला मिलेगा, वहां पे आपको भैंस मिलेगी। और भैंस है ना जी, आप ज्यादा भैंस मत करना वरना दूध ना देगी वो। तुम अपनी ये फालतू बात बंद करो, हम दोनों को कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है जी, फिर मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आता हूँ। मेरे लिए शुगर फ्री। जी हम आपको पूरी चाय फ्री में दे रहे हैं, चीनी के पैसे थोड़ी लेंगे आपसे। तू इससे शादी कर रही है? तू हंसना बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे, समझा? और बड़ा टेढ़ा काम है रे। तो क्या सीधे काम के 25,000 रुपए मिलते हैं? 25,000 में इतना ही होएगा, और वैसे भी लड़की बहुत जिद्दी है, और वैसे भी वो लड़की की शादी हो जाने देना उस अजय से, तब भी तो वो जाएगी ना इस घर से। अगर उस अजय से इसकी शादी हुई तो जिंदगी भर के लिए इस घर से उसका नाता जुड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस घर में वो कभी वापस आए। ये लो और 25,000। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, उस लड़की की जिद टूटनी चाहिए। अगर वो ना माने तो उसे उठाकर लेके जाओ आज रात। इस दवाई के असर से घर वालों की नींद अब सुबह ही खुलेगी, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर आज रात ही प्रेम के साथ मिलकर इच्छा को यहां से कहीं दूर भेज दूंगी। ये दूध में क्या मिला रही हो तुम? मैं वो ये नगीना जी, ये बात तो मुझे पता है कि मैं बहुत सीधा हूं, लेकिन इतना मुझे भी पता है ये चीज ना चीनी ना है। अब बताओ क्या है ये?
ये ताकत की गोलियां हैं, इन्हें दूध के साथ पीने से ताकत आती है। कहां से आती है? मेरा मतलब है कि शरीर में ताकत आती है। किसके शरीर में आती है भाई? हमारे शरीर में तो सिर्फ पसीना आवे है। इनको दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। सबल जी, एक बात बताइए, जब हम दूध पीते हैं तो हमें क्या मिलता है? ताकत, ताकत मिलती है। वही तो, लेकिन ये ताकत हमें कहाँ पे मिलती है? मेरा मतलब है कि हमें ये ताकत कमरे में मिलती है, आंगन में, बैठक में, कहाँ? मुझे ना पता जी, इन सब जगहों में मुझे आज तक कभी ना मिली वो। इसका मतलब है कि ये ताकत कहीं चली जाती है। सही कह रही हो तुम, कहीं तो जाती है वो। बस इन गोलियों को दूध में मिलाने से ताकत वहीं से वापस आ जाती है। वो तो जल्दी मिलाओ और ताकत को बुलाओ। ये की ना अपने समझदारी वाली बात सबल जी। सबल जी, इन गोलियों के बारे में किसी से कहना मत। कौन सी गोलियों के बारे में? अरे मैं यहाँ कोई बंदूक गोली के बारे में बात करने ना आया, मैं तो यहाँ पे पानी पीने आया था। इच्छा। नगीना जी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। आज सब लोग मुझे दूध पिला रहे हैं, बात क्या है? इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं नागिन हूँ, या मुझे ही नहीं पता कि आज नाग पंचमी है? क्या हुआ? ले लो। अब नगीना जी, मैंने अभी पिया, थोड़ी देर पहले ही बब्बल जी आके दे गए। तो क्या हुआ, तुम्हें तो दूध बहुत पसंद है ना, एक और ग्लास पी लो। लेकिन मैंने... ठीक है, मत पियो, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आई थी, मगर तुम्हें नहीं पीना है तो मैं वापस लेके जाती हूँ। अब नहीं नहीं नगीना जी, ठीक है आप दे दीजिए, मैं पी लूंगी। देखो याद से पी लेना, हाँ, वरना मैं बुरा मान जाऊंगी। वाकू, वो दूध मेरे लिए लाई थी। अरे तुम्हें तो बब्बल जी भी देकर गए हैं दूध अभी, इतनी लालची ना बनो इच्छा, थोड़ा डरो ना गोमी देव से। भाई ऐसा है, तुम दोनों को कुश्ती के लिए बुलाया है, तुम्हें कुश्ती पसंद है ना? या बहुत ज्यादा, यू नो। जी मुझे भी बहुत पसंद है, पर आज यहाँ कुश्ती खड़े का खाओ तुम दोनों। हम दोनों? अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत खुश हो गए। पर कुश्ती करनी क्यों है? अरे भाई अखाड़े में तो कुश्ती होवे है, खेती तो नहीं होती। पहलवानों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो तो अखाड़े में तो आना ही पड़ेगा। भाई अच्छा हो गया ये सर्कस वाले नहीं है, वरना शेर के पिंजरे में डाल देते। भाई ऐसा है, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसको नंबर मिलेंगे, और उन नंबर के आधार पर तय होगा कि किसका आधार कार्ड बनेगा। अरे बावले क्या कह रहा है, मतलब किसके साथ इच्छा की शादी होगी। अरे अंकल, लेकिन और कोई मुकाबला नहीं कर सकते क्या, जैसे तेज दौड़ना या तेज गाड़ी चलाना, यू नो? नहीं भाई, देखो तुम पैदल भागोगे और तुम गाड़ी चलाओगे, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना। देखा दादी, मैं आपसे कह रहा था ना, इनसे कुएं में छलांग लगा के सिक्का ढूंढने वाला मुकाबला करवाओ ना। वो सही है। चलो भाई।
बस जी बस जी बस जी, मुकाबला खत्म, खड़े हो जाओ, चलो चलो। आप पहलवान तू उधर जा, तू इधर आ। तो आज की इस कुश्ती का विजेता है अजय। अरे प्रेम जी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी भी शादी जरूर करवाऊंगा, सोच रखा है मैंने। मैं आप सभी के लिए दूध लेके आई हूँ। आयो पूरा बेवकूफ है ये, अब हमारे प्लान का क्या होगा? बब्बल बब्बल बब्बल, तू पागल तो नहीं हो गया है? तू उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? जानता नहीं है तुझे कितना परेशान करती है वो, जब भी मिलती है तुझे गिराती है, लेकिन संभालती भी तो वही है। चाचू चाचू, चाचू मुझे मदद की जरूरत है। मुझे भी मदद की जरूरत है। हाँ? चाचू, कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, ये क्वेश्चन समझाओ ना। अप्पू मुझे बोर मत कर, जाया से। प्लीज चाचू, प्लीज ये वाला, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अप्पू तो एक काम करना, मम्मी के पास जा, उनसे जाके पूछ ले। अरे वहीं से तो आ रहा हूँ, मैंने कहा कि मम्मी सवाल का तोड़ निकालना है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाय कितना प्यारा सवाल है, क्यों तोड़ रहा है इस बेचारे को, ऐसे ही रहने देना। अप्पू हट, तू उसे जाके पूछ लेना, तेरी वो नई दोस्त, क्या नाम है उसका, इच्छा। अरे उसे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने उसे इतना आसान सवाल पूछा कि दूध अगर खराब ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? दूध को पी लेना चाहिए। उसे तो इतना भी नहीं पता कि उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। अच्छा अप्पू मुझे एक बात बता, इच्छा इस घर में खुश है ना? अरे चाचू वो दिन भर नाचती फिरती है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो घर में खुश नहीं है? वो क्या है ना अप्पू, वो इस घर में हमारी मेहमान है, तेरी अच्छी दोस्त भी है, तो मुझे लगा कि तुझे इसके बारे में शायद बेटर पता होगा। जो आप लोगों को ना कुछ समझ ही नहीं आता, वो भी दिन भर आपके बारे में पूछती रहती है। क्या कि मैं इस घर में खुश हूँ कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ यार। अरे कल मेरा एग्जाम है और आपको मजाक सूझ रहा है। सुन ना अप्पू, वो इच्छा मेरे बारे में क्या पूछती है मुझे बता। उसी से जाके पूछ लो ना। अच्छा अप्पू देखो, आइसक्रीम खाए हुए कितने दिन हो गए? चाचू बात मत पलटो, वैसे आप क्यों जानना चाहते हो आपके बारे में क्या पूछती है? चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? चल क्या रहा है मतलब? हाँ तुम मुझे सवाल पूछने आया ना, आए कि नहीं, तो मैंने ये पूछ लिया, इसमें क्या है यार? आइसक्रीम कल खिला देना, प्रॉमिस। वैसे कुछ खास नहीं पूछती, सबके बारे में पूछती तो आपके बारे में पूछती है। ओ और कुछ नहीं पूछती मेरे बारे में? नहीं बात क्या है मुझे बता दो, मैं अच्छे से बात कर लूंगा। वो क्या है ना अप्पू, चौधरी मत बन, जाए से तेरा एग्जाम है ना, चल फुट। ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं इच्छा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं? अबे ढक्कन जाएगा तू।
अभी तो 10 ही बजे, मने इतनी नींद क्यों आ रही है? लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में नींद ना आवे, लगता है मने बुढ़ापा ना आया। अगर थकावट ना होती ना, इसी बात पर 10 दंड पेल लेती। कोई बात नहीं, सुबह उठ कर पेल लूंगी। दादी सो गई क्या? ना छोरा, दौड़ लगा रही हूँ, तू भी आके हमारे साथ दौड़ लगा ले। बबल, थारे से ये उम्मीद ना थी कि तू ऐसे सवाल करेगा, तू ऐसे पूछेगा तो कैसे चलेगा? अरे दादी, तू इतनी जल्दी सोती नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। अरे छोरा, आज कुछ थकावट ज्यादा हो गई है। आ, तेरे पाँव दबा देता। वैसे दादी, मुझे लग रहा है ना हम जल्दबाजी कर रहे हैं। ना छोरा ना, तू तो बहुत अच्छे से दबा रहा है हमारे पैर। दादी मैं इच्छा की शादी की बात कर रहा हूँ। नगीना जी इस वक्त? ऐसे दादी, मुझे लगता है सही रहेगा, उन दोनों लड़कों में से ही इच्छा की किसी एक के साथ शादी करा दे। जानती हूँ बेटा कि इच्छा ने 2 बार तेरी जान बचाई है, इसीलिए तुझे चिंता हो रही है ना। तू फिकर ना कर, मैं 2-3 महीने में उसकी शादी करवा दूंगी। नहीं नहीं दादी, मैं तो समझ गई छोरा, समझ गई। अरे मैं हूं ना, इसी महीने उसकी शादी करा दूंगी। दादी मैं जो कह रहा हूँ। अरे छोरा जाके सो जा, सुबह बात करेंगे। दादी दादी घनी नींद आ रही है। मैं तो इच्छा की शादी रुकवाने आया था, ये तो दादी ने और स्पीड पकड़ ली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नगीना जी इतनी रात को प्रेम के कमरे में क्या करने गई है? प्रेम, प्रेम, इसे भी दूध पीने की जल्दी थी, अब काम के वक्त में सो रहा है, अच्छा खासा मौका हाथ से निकल जाएगा। प्रेम उठ जा, प्रेम उठ जा, वरना घर वाले जाग जाएंगे। और इच्छा को अगवा करके ठिकाने लगाने का प्लान चौपट हो जाएगा। उठ जा प्रेम, उठ जा प्रेम, प्लीज उठ जा प्रेम। वाकू, वाकू उठ, वाकू उठ ना, वाकू उठ ना, वाकू उठ, मेरी जान खतरे में है, वाकू मुझे तेरी मदद की जरूरत है, उठ ना वाकू, वाकू, हे नागोमी देव, ये वाकू आज ही अपनी सारी नींद पूरी करेगा क्या? वाकू उठ, सारे के सारे बेवकूफ मेरे ही पल्ले पड़े हैं, अच्छा खासा मौका हाथ में आया है, चला जाएगा, इसे जल्दी जगाना होगा और इच्छा को उठाकर इस घर से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना होगा। बबल जी, बबल जी, बबल जी उठिए ना, बबल जी जल्दी उठिए ना। बबल जी आज आप मुझसे ऐसे मुंह नहीं फेर सकते, वरना ये लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे यहाँ से। बबल जी उठिए ना, बबल जी, हे नागुमी देव, बबल जी तो उठ ही नहीं रहे हैं, किससे मदद मांगूं? बबल जी,
बबल जी, बबल जी जल्दी उठिए। बबल जी, बबल जी ये आप क्या कर रहे हैं? बबल जी, बबल जी छोड़िए मुझे, छोड़िए। I love you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.